दोस्तों, आज मैं ऐसी रेसिपी लेके आई हूँ कि आप एक बार बना के खाओगे तो हफ्ता में दो बार तो जरूर बना के खाओगे। इतनी टेस्टी बनते हैं ये सब्जी आलू भिंडी की। चले बनाने शुरू करते हैं। गैस पे कड़े रखी हुई है और दो चम्मच कुकिंग ऑयल यहाँ पर डाल रही हूँ। थोड़ी सी गर्म होने देंगे। पहले हम यहाँ पर एक बड़ी साइज आलू लिया है मैंने काट करके, ज्यादा मोटा भी नहीं ज्यादा पतली भी नहीं। इसको हम यहाँ पर फ्राई कर लेंगे। दो तीन मिनट तक हमें आलू को फ्राई करने होंगे। और ये आलू ज्यादा बड़ा भी नहीं है ज्यादा पतली भी नहीं है, इसी टाइप से काट करने से अच्छे से फ्राई भी होते हैं और जल्दी पक भी जाते हैं। ये देखिए आलू में थोड़ी सी ब्राउन कलर आ गई है। ज्यादा से ज्यादा दो मिनट टाइम लगी मुझे ये आलू फ्राई करते हुए। अभी इसको हम यहाँ से निकाल देंगे। अब इसी कड़े पे हमें थोड़ी सी ऑयल ऐड कर लेंगे। एक चम्मच और ऑयल डाल दूंगे। यहाँ पर एक चम्मच कुकिंग ऑयल और ऐड कर दिया है और इसको थोड़ी सी गर्म होने देंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पर भिंडी को काट के रखी हुई थी, इसको यहाँ पर डाल देंगे इस तरह से। अब एक भिंडी को दो भाग में भी काट करके डाल सकते हैं, नहीं तो इससे थोड़ी सी छोटी छोटी भी करके डाल सकते हैं। मैंने जो लंबी थी उसको तीन भाग किया है, जो मीडियम साइज थी उसको दो भाग करके यहाँ पर फ्राई किया है। मैक्सिमम मुझे यहाँ पर दो तीन मिनट लगी भिंडी को फ्राई करने के लिए और हाई फ्लेम करके फ्राई किया है। ये देखिए इसी तरह से हमें फ्राई करने होंगे। इससे ज्यादा ब्राउन भी नहीं करेंगे क्योंकि ये बाहर रखने का बाद में खुद ब खुद थोड़ी सी ब्राउन कलर में भी आ ही जाते हैं। अभी यहाँ पर ऑयल इतनी बची हुई है तो हमें यहाँ पर और एक चम्मच कुकिंग ऑयल ऐड कर देंगे मसाला फ्राई करने के लिए। हाफ टी स्पून साबुत जीरा डाल दिया है, इसको थोड़े से चटकने देंगे। और एक बड़ी साइज प्याज मैंने यहाँ पर चॉप करके लिया है, इसको भी हमें यहाँ पर फ्राई करेंगे ऑयल पे। और मैंने हरी मिर्च दो पीस लिया है, इसको कट करके यहाँ पर डाल रही हूँ, इसको भी हमें यहाँ पर फ्राई करेंगे अच्छे से। दो चीजों को हम इस तरह से मिक्स करने के बाद अदरक और लहसुन का पेस्ट भी डाल रही हूँ। मैंने यहाँ पर चार कलियां लहसुन लिया है और एक इंच छोटे टुकड़े में अदरक भी लिया है, इसको पेस्ट बना के लिया है। अभी ये तीनों चीजों को हमें अच्छे से भुनने होंगे। प्याज को हल्के से पिंक कलर आने तक फ्राई कर लेंगे और लहसुन भी अच्छे से खुशबू छोड़ देंगे यहाँ पर ऑयल पे। और ये देखिए अच्छे से कलर में चेंज आ गई है प्याज पे। तो मैं यहाँ पर एक बड़ी साइज टमाटर भी ले रही हूँ, इसको भी अच्छे से चॉप करके लिया है। और इसी तरह से हम इसको भुनेंगे। टमाटर अच्छे से सॉफ्ट होने के लिए अभी हम यहाँ पर मसाला पाउडर यूज करेंगे। पहले मैं यहाँ पर डाल रही हूँ हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, हाफ टी स्पून जीरा पाउडर, हाफ टी स्पून धनिया पाउडर, एक चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ अच्छे कलर आने के लिए। स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। अभी ये सब चीजों को हमें अच्छे से मिक्स कर देंगे यहाँ पर। इस तरह से मिक्स करते हुए भुनेंगे। गैस का फ्लेम लो रखने होंगे, मसाला जल जाएंगे इसलिए। और यहाँ पर टमाटर थोड़े से पानी रिलीज करेंगे और मसाला भी अच्छे से पक जाएंगे, टमाटर भी सॉफ्ट हो जाएंगे। इसी तरह से हमें एक दो मिनट तक भूनते रहने होंगे। एक दो मिनट के बाद में ये देखिए कलर में भी चेंज आ गई है और टमाटर भी सॉफ्ट हो गई है। अभी हल्के हल्के से इसको थोड़ी सी मैश कर देंगे यहाँ पर। इस तरह से करने से ग्रेवी में अच्छी टेक्सचर आते हैं और थोड़ी सी थिक ग्रेवी बनते हैं। मैंने यहाँ पर सॉफ्ट पाउडर हाफ टी स्पून लिया है और गरम मसाला भी हाफ टी स्पून। आपको सॉफ्ट पाउडर का खुशबू अच्छे नहीं लगते तो आप स्किप भी कर सकते हैं। इस जगह पे आप कसूरी मेथी भी डाल सकते हैं। अभी अच्छे से इसको मिक्स करेंगे यहाँ पर। ये देखिए अच्छे से पक गई है, मसाला भी अच्छे से भून लिया है। अभी मैं यहाँ पर दो चम्मच मलाई डाल रही हूँ। आपके पास में घर में बनाया हुआ मलाई है तो वो भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरे पास आज नहीं थी तो मैंने यहाँ पर अमूल फ्रेश क्रीम लिया है दो चम्मच। इस तरह से डाल के बनाने से क्रीमीनेस की वजह से ग्रेवी में बहुत ही अच्छे लगते हैं खाने में। और क्रीम डालने के बाद हमारी ग्रेवी बहुत ही बढ़िया लगते हैं।
खाने में स्वाद भी बढ़ाते हैं। आप चाहे तो क्रीम नहीं डालना है तो आप यहाँ पर 2 चम्मच दही भी डाल सकते हैं। अभी मैं यहाँ पर आलू फ्राई करके रखी हुई थी, इसको यहाँ पर डाल देंगे और इसी तरह से मिक्स करेंगे। आलू पक चुकी है, ज्यादा पकाने जरूरत नहीं है, तो मैंने यहाँ पर 1 कप गर्म पानी लिया है। जब भी ग्रेवी बनानी हो तो आपको गर्म पानी यूज करनी चाहिए। गर्म पानी यूज करने से सब्जी में मसाला टेक्सचर अच्छे बनाए रहते हैं। ये देखिए यहाँ पर मैंने सब डाल दिया 1 कप पानी। आप ग्रेवी कम ज्यादा कर सकते हैं। अभी उसको उबलाने देंगे। उसके बाद अभी हम यहाँ पर डाल देंगे जो भिंडी फ्राई करके रखी हुई थी, इसको अभी यहाँ पर डाल देंगे। अभी ये अच्छे से मिक्स कर देंगे इस तरह से। ये देखिए अभी से ग्रेवी कितने अच्छे लग रहे हैं देखने के लिए। देखिए एक टमाटर की वजह से और एक बड़ी प्याज की वजह से कितने अच्छे ग्रेवी बन गया, तैयार हो गया है। अब ये सब चीजों को मिक्स करने के बाद हम यहाँ पर ढक्कन लगा देंगे और गैस का फ्लेम को लो करके ढक्कन लगा के इसको 2 मिनट तक हमें पकाने होंगे। 2 मिनट के बाद एक बार चेक कर लेते हैं किस तरह से बन के तैयार हो गया है सब्जी। ये देख सकते हैं आप, इतने अच्छे हो गया है, सब्जी पक के रेडी हो गई है। भिंडी भी सॉफ्ट हो गया है, आलू भी सॉफ्ट, क्योंकि हमने पहले ही फ्राई करके रखी हुई थी इसलिए चिपचिपा सा बिल्कुल नहीं रहेंगे यहाँ सब्जी। ये देखिए एक भी भिंडी टुकड़ा हुआ नहीं, मैश नहीं हुआ है। इस तरह से बना के खाइएगा, आपको बहुत ही पसंद आएंगे। ये देखिए ग्रेवी, मैं इतने ही ग्रेवी रख रही हूँ, तो मैं यहाँ पर हरी फ्रेश धनिया पत्ता काट करके डाल दिया है और मिक्स कर देंगे इस तरह से। आप दाल चावल के साथ में ले लीजिएगा या रोटी पराठा, इस तरह से सब्जी बना के एक बार रोटी पराठा के साथ में खाएगा, आपको बहुत ही पसंद आएंगे। मैं अभी सर्व करके भी दिखा रही हूँ आपको। आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर करना ना भूले। बाय बाय।